मौजूद तमाम साथियों को मेरा इंकलाबी सलाम। लॉन्ग लिव एमयू, 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 लॉन्ग लिव एमयू, 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 मैं भी एमयू, 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 तुम भी एमयू, 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 हम सब एमयू, एमयू, एमयू। साथियों, अभी आपके सदर साहब ने बोला कि आज का टॉपिक है शाखा वर्सेस संस्था, तो संघियों को यह बताना जरूरी है कि जो जड़ मजबूत करने का काम करते हैं वो शाखा वाखा नहीं लगने देते हैं, शाखा नहीं लगाया करते। एमयू इस देश में जड़ मजबूत करने का काम कर रहा है जो देश को बहुत आगे ले जाएगा। हम शाखा नहीं लगाते हैं आज के दिन, हम पेड़ शुरू से लगाते हैं और उससे बड़ा करते हैं। ये काम एमयू का बोलना होगा। हम लोग एक के बाद एक देखते हैं कि उधर इनकी बुलेट ट्रेन चली थी हमले वाली, हिंदू युवा वाहिनी के गुंडे जिसमें बिठाए गए थे, एबीवीपी के गुंडे बिठाए गए थे, वो आईआईटी मद्रास से चली, फिर एफटीआईआई चली, फिर आपके साथ ही एसटीयू में गए ये लोग, फिर जेएनयू आए, फिर डीयू गए और अब एएमयू आए। लेकिन आप बुलेट ट्रेन पर विराम लगाना जरूरी है। अब थोड़ा इनको ऐसा ड्राइवर बिठाना पड़ेगा जिसको ब्रेक भी लगाना आता हो, अदरवाइज स्पीड को इनको बोलना होगा कि एक के बाद एक जिस तरह से आपने सोचने समझने वाले संस्थानों पर हमला किया, जिस तरह से आपने एक के बाद एक पढ़ाई लिखाई के संस्थानों पर हमला किया, उससे आपकी मनसा तो साफ लगती है कि आपके प्रधानमंत्री जी जो फर्जी डिग्री लेकर घूमते हैं, आपकी ईरानी जी जिनकी डिग्री डिस्क्लोज नहीं हो रही, देश में सब कुछ डिस्क्लोज हो जा रहा है, मतलब सारा सूचना निकल जा रहा है, लेकिन इनका डिग्री डिस्क्लोज नहीं हो रहा। कल यहाँ का इनका बंगाल का प्रमुख पकड़ा है, उससे भी हाईकोर्ट ने कहा बोला डिग्री तो दिखा दो यार, हम सब कुछ दिखाने को तैयार। तो ये सारे लोग ये डिग्री विरोधी लोग, ये आप ये नहीं जानते यहाँ पे एमयू में तमाम पढ़ाई होती है। आपका कोर्ट मेंबर है जो यहाँ का सांसद है सतीश गौतम, उससे पूछ लो भैया जो शाखा से लेके शुरू से लेके शाखा और पेड़ लगवा रहे हो, ये बताओ एमयू में कितना कोर्स चलता है, कितना शाखा है बीटेक में बता दो भाई, कितना शाखा है तुम्हारा एमडी में बता दो, नहीं बता पाएंगे। क्योंकि इनका जो जन्म हुआ है वो ही डिग्री विरोधी पढ़ाई लिखाई विरोधी विचारधारा पे हुआ। इन्होंने मतलब तरह तरह के मसले खोज खोज के लाए, कभी कुछ बोला, कभी एंटी नेशनल बोला, कभी बोला एंटी, कभी ये लोग बोला कि ये लोग देश विरोधी है, आर्मी विरोधी है, पता नहीं क्या क्या बोला। अब एक नया चीज खोज के लाए, तस्वीर लगी। अरे भैया तस्वीर तो तुम्हारे साथ में मुखर्जी के साथ भी है, क्या करोगे साहब, मुखर्जी क्या करोगे, पेट्रोल डालोगे, आपको वो तस्वीर के जरिए झुटलाना चाहते हैं। आप खुद देख लीजिए, आज जैसे पीडीपी से हाथ मिला के बैठे हैं बीजेपी वाले और एक बार एक के बाद एक पुरस्कार दिए जा रहे हैं रेपिस्ट एमएलए को, वो आज उस इतिहास को नहीं भुला सकते जब सिंध में खुद इन्होंने मिलकर सरकार बनाई थी, हिंदू महासभा साहब प्रणब मुखर्जी और सावरकर के लोगों ने मिलकर सरकार बनाई, खुद इन्होंने ही बार बार उनके साथ कोलिशन किया क्योंकि सत्ता में आना, आज सत्ता को बचाए रखना है, इसीलिए वो तस्वीर याद आ रही। कोई सही कार्टून बनाया कि जिन्ना साहब ऊपर है जिन की तरह, तो कह रहे हैं वो आरएसएस वाले हाफ पैंट पहन के नीचे कह रहे हैं अब याद आ गए क्या। लेकिन दो तीन बातें जो समझने लायक है कि आखिर ये एमयू आखिर ये जामिया मीडिया को अलग तरीके से टारगेट क्यों करते हैं। आप देखिए वो महेश गिरी जो दिल्ली में बैठा सांसद नहीं गुंडा है, वो उसने ट्वीट किया कि एमयू टेररिस्ट का गढ़, टेररिस्ट आज के दौर में मतलब जब भगत सिंह को टेररिस्ट कहा गया था तो उस समय ये सोचने समझने वाला आदमी था, जब भगत सिंह को बोला गया कि ये टेररिस्ट है अंग्रेजों के, उस समय अंग्रेजों ने बोला था आज अंग्रेजों के दलाल बोल रहे हैं, भगत सिंह को बोला गया टेररिस्ट है तो उस समय वो सबसे ज्यादा सोचने समझने वाला आदमी था, वो शाखा विरोधी था, वो संघ विरोधी था, उसने देश में कम्युनल विचारों का विरोध किया, उसने देश में जातिवाद जो होता है उसका विरोध किया। आज टेररिस्ट किसको बोला जा रहा है जो मोदी जी से 2 करोड़ रोजगार मांग रहे हैं, मतलब
कश्मीर का मामला इसलिए उठाया गया आप लोगों के सामने क्योंकि भारत की जो सही तस्वीर वो सामने ना आए। भारत की सही तस्वीर लाने का काम आज एमयू के लोग कर रहे हैं, इसलिए वो तस्वीर का मामला उठाया। भारत की सही तस्वीर लाने का सामने का काम आज जेएनयू के लोग कर रहे हैं, इसलिए वो जेएनयू पे कभी अटैक करते हैं। और आप सोचिए, मतलब कर्नाटक में वहां पर चुनाव प्रचार हो रहा था, योगी जी गए, जो अजय सिंह विष्णु योगी जी हैं वो गए वहां पे, उन्होंने बोला हमारा उत्तर प्रदेश लॉ एंड ऑर्डर में बहुत बढ़िया। अब देख लीजिए लॉ एंड ऑर्डर कितना बढ़िया है, गुंडे पुलिस बन जाते हैं यहाँ पे, जो हिंदू युवा वाहिनी के गुंडे हैं वो पुलिस बन जाते हैं, और पुलिस को गुंडा को रोक देती तो पुलिस गुंडा बन जाती। इस चीज को समझने के लिए इनके पूरे 1925 से लेकर आरएसएस के विचार को देख लीजिए, ये हमसे देशभक्ति का प्रमाण है। अरे दलाल लोग, तो हमसे देशभक्ति का प्रमाण है। मतलब अगर मीडिया वाले अगर दोस्त खड़े हो तो प्लीज, आप लोग इतनी बार चाय पीने जाते होंगे, वहां पर नमकीन उमकीन दी जाती होगी, आपको जिस कागज पर नमकीन दी जाती होगी वो कागज देखिएगा, उसमें भी हिटलर का जिक्र होगा, पक्का बात बता दे रहे हैं। इनके ऑफिस जाके देखिए, ये कहते हैं एमयू में घुस के देखेंगे, अरे आप आरएसएस वालों के दफ्तर जाके देखिए, ये युवा वाहिनी वालों के दफ्तर जाके देखिए, इनके दफ्तर में केवल हिटलर के फोटो और हिटलर की किताबें मिलेंगी, इनके दफ्तर में केवल मुंजर हेडगेवार और गोलवलकर की किताबें मिलेंगी, भगत सिंह नहीं मिलेंगे, गांधी नहीं मिलेंगे आपको, अब्दुल कलाम आजाद नहीं मिलेंगे इनके दफ्तर में, क्योंकि इनका शुरू से जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ तो ये लोग क्या कर रहे थे, जो हमारे अंग्रेजों के दलाल साहब लोग हैं वो कह रहे थे आंदोलन छोड़ो, वो भारत छोड़ो कह रहे थे, ये कहते आंदोलन छोड़ो और भागे। मतलब जिस समय आंदोलन में भाग लेना था तो इन्होंने वो सीरियसली लिया भाग को और भाग लिए वहां से, इस तरह के लोग हैं। इसलिए हमको यहाँ बैठ के रियल में बता रहे हैं, ये एमयू का आंदोलन और पूरा जो जेएनयू से आंदोलन चला या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आंदोलन चला, जो बीएचयू में अभी आप देखिए, बीएचयू में लड़कियों ने क्या मांगा, जेंडर जस्टिस, सर वहां पर प्रॉपर क्या कह रही है, लड़कियां पिज्जा खाने आ, मतलब आप देख लीजिए कितना शर्मनाक बात है, जेंडर जस्टिस को इन्होंने कितना धूल में मिला दिया है। आप कठुआ में देखिए, कठुआ में ये लोग रेपिस्ट के जो सपोर्टर हैं उनके साथ खड़े होते हैं, आप आज का ट्विटर उठा के देखिए, तीन हैशटैग वो रेपिस्ट ऐसा राम के समर्थन में चला रहे हैं, और ये लोग बात करते हैं देशभक्ति की, ये लोग बात करते हैं हमसे आके देशभक्ति की। आज इंडिया टुडे की एक स्टोरी निकली, इसमें आप साफ साफ देखेंगे कि आर्मी जो है हमारी इंडियन आर्मी, उसको ठंड की कमी की तरह चलते कितना झेलना पड़ रहा है। आप आज इंडियन एक्सप्रेस में एक स्टोरी निकली वो भी देखिएगा, हमारी जो इंडियन आर्मी के लोग हैं उनको सुसाइड करना पड़ता है, उसमें से 22% से ज्यादा सुसाइड वो फाइनेंशियल मैटर के चलते करते हैं। लेकिन पिछले दिनों देखिए, आप आज उठा के देख लीजिए, अलीगढ़ का संघ का दफ्तर देख लीजिएगा, चार चांद लग गए होंगे, बीजेपी का हमारे दिल्ली का दफ्तर देख लीजिएगा, अलीशान दफ्तर बना दिया है, लेकिन जब आर्मी को पैसा देना होता नहीं होता है। और एक लोग हर बात में कहते हैं आर्मी वहां सीमा पे खड़ी है, अरे सीमा पे खड़ी है तो तुम्हारा दफ्तर खड़ा होता जा रहा है, तुम क्या आर्मी के लिए कर रहे हो। बात को इनकी बात को एक्सपोज करना होगा, और जिस दिन आप लोग जब जब कार्रवाई लेके निकलेंगे ये लाठीचार्ज होता रहेगा, ये हो गया, ये जिसको कहता है सिस्टम की इंतहा कहां तक है, सिस्टम की इंतहा कर लिए, अब हमारी बारी है, हम बताएंगे हमारे कार्रवाई की इंतहा कहां तक, हम इनको बताएंगे कि हमारे नारों की इंतहा कहां तक है, हम नारे कितना लंबे दे सकते हैं। और इस बात को कहते हुए हमको इनके पूरे शाखा मॉडल को ही डिमोलिश करना होगा, हमको डिमोलिश करना होगा कि ये लोग आपको 2 करोड़ रोजगार नहीं दे सकते, भारत के लोगों को 2 करोड़ रोजगार नहीं दे सकते, ये लोग हमारे महिला साथियों को जेंडर जस्टिस नहीं दे सकते, इस बात को कहना होगा कि ये इस देश में अन्न उपजाने वाले किसान का साथ खड़े नहीं हो सकते, इस बात को कहना होगा। और इसी के साथ हम तमाम लोग आज एमयू जो है इस देश में वाकई में एमयू एक ऐसा संस्थान बनेगा जो देश में बताएगा कि कैसे जमीन से जड़ खोद के पेड़ लगाया जाता है और उसको बड़ा किया जाता है, क्योंकि इन्होंने तो जो विकास का मॉडल दिया था वो गुजरात में पगला गया,
अभी कर्नाटक में ढूंढे नहीं मिल रहा है, यहाँ तक आएंगे यूपी यूपी में तो पता नहीं क्या हवा उठ जाएगा, बहुत सुनामी आया हुआ है। मतलब देखिए इनका मजाक देख लीजिए, सारा चीज कहता है विकास विकास विकास, बाद में विकास पता नहीं कहाँ है, विकास को ढूंढ रहे हैं लोग, विकास कहाँ है। तो ये तो इनका मॉडल। इसीलिए इस जिम्मेदारी को लेते हुए, ज्यादा बातें अपनी ना रखते हुए, मैं बस बात को रखना चाहता हूँ कि एमयू से जो आंदोलन शुरू हुआ है, बीएचयू में लोग आंदोलन कर रहे हैं, उन्होंने अपने साथ सॉलिडारिटी दिखाई है, ये एक बहुत बड़ी बात है। जिसको इन्होंने हिंदू मुस्लिम में बांटा वो सब एक साथ करेंगे। जब आप लोगों ने यहाँ पे इंटरनेट के तार काटे गए तो बीएचयू के लोगों ने कहा, मुझे फोन करके कहा, भैया ये इंटरनेट के तार तो काट सकते हैं, सॉलिडारिटी के तार नहीं काट सकते। तो हम तमाम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सॉलिडारिटी के तार से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, जो लोग आगे हैं जो भाई, उन्होंने सालों के ताल जितने ताले थे सबको तोड़ा दिया। Ah!